बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियों से नवाजे और हमेशा खुश रखे। आज मैं अपने चैनल में बनाने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त मीठी रेसिपी, और वो मीठी रेसिपी है पेठे और आलू बुखारे के मुरब्बे की। आइए देखते हैं ये ज़बरदस्त सा मुरब्बा कैसा बनता है। 3 किलो पेठे को क्यूब शेप में काट के इसमें 6 से 7 अदद इलायची डाल देंगे। 15 से 20 अदद आलू बुखारे को भिगो के डाल देंगे। 1.5 किलो हम चीनी डाल देंगे। 3 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। 3 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकाने रख देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक पेठा नरम ना हो जाए और ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। इसको पकाते रहेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे पेठे का मुरब्बा तैयार हो चुका है और ये काफी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे जबरदस्त सा पेठे और आलू बुखारे का मुरब्बा तैयार हो चुका है। आप इसको नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।